हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको पोहा कटलेट्स बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पोहा कटलेट मैंने बहुत ही इजी मेथड से घर पे तैयार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कटलेट बनाना, जिसके लिए मैंने 1 बॉल पोहा लिया है और उसको मैंने हल्के से गुनगुने पानी में भिगो दिया है 10 मिनट के लिए। मैंने 1 बॉल कॉर्न लिया है और 1 बॉल सूजी ली है। कॉर्न को मैंने गर्म पानी में डिप करके रख दिया है जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने 1 बॉल बेसन लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और उसमें रोस्ट करने के लिए मैंने सूजी डाल दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से रोस्ट हो जाए। सेम प्रोसेस हमें बेसन के साथ भी करना है। अब हमने सारी सामग्रियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। आपको क्वांटिटी सारी लिखी हुई दिख रही होगी और मैम ने पहले भी आपसे शेयर किया है। सबसे पहले मैंने पोहा पानी से छान लिया है और पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और सूजी और बॉयल्ड आलू इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करूंगी। इसके साथ ही साथ इसमें आप बेसन भी ऐड कर दीजिए और इसको अच्छी तरीके से हाथों की सहायता से मैश करिए। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें जो कॉर्न हमने भिगो के गर्म पानी में रख रखा था उसको पानी से छान के हमने इसमें डाल दिया है और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। भुना मसाला मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून और भुना मसाला मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर किया है, आप उसको देख सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसमें हम लास्ट में नींबू जो रखा था मैंने वो निचोड़ के डाल दिया है और उसको मिक्स करके फिर इस तरह से हमें कटलेट की शेप देनी है। अब हम रिफाइंड ऑयल लेते हैं और कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देते हैं और जब गर्म हो जाता है तो हम कटलेट को डीप फ्राई कर लेते हैं। नींबू डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसको आप हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करिए, क्योंकि आप अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो ये फूटने लगेगा। तो एक बार ये थोड़ा सा पक जाए उसके बाद आप फ्लेम कम कर सकते हैं। ये देखिए कटलेट लगभग पक चुके हैं। ये देखिए पोहा कटलेट अब बन के तैयार हो गया है और खाने के लिए एकदम रेडी है। है ना बहुत इजी रेसिपी, आप इसको अपने घर में झटपट तैयार कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो बहुत ही इजीली आपके घर में अवेलेबल होती हैं। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अंत तक हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।